धरती बचाने के लिए पेड़ लगाए कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है। तो होगी महोदय, क्योंकि ये पेड़ हमने लगवाए थे, आप नहीं, जो आपने कटवा दिए। ये नगर पालिका की गाड़ी आप देख रहे हैं, पेड़ काट काट के। मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। और आप लगाएं तो कोई पेड़ नहीं कटेगा, टूटेगा। आम पब्लिक लगाए तो इस तरह से आप जेसीबी उस पर चलवा देंगे, ये भी सकते हैं आपका नगर पालिका भी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। और प्रसन्न तो आप होंगे ही, क्योंकि आपके रिश्तेदारों के आपने बड़े बड़े टीन शेड बनवा दिए, और जो आम लोगों ने इस तरह के मोटे मोटे पेड़ लगवाए वो आप कटवा रहे हैं। पेड़ लगाऊंगा, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ जेसीबी से तोड़वा दिए गए हैं, बुलडोजर चलवा दिया गया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं नगर पालिका सीएमओ विदिशा, ये देख सकते हैं आप, और मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं सुन सकते हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। जैसे पर्यावरण बेहतर बनेगा, रोड पे पूरा टीन सेट लगवाएंगे और पेड़ों को कटवाएंगे। ये है विदिशा में हाल। तो ये है विदिशा नगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी, जिनसे पूछा गया कि पेड़ क्यों कटवाए जा रहे हैं, क्यों तोड़वा जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं। और इनसे पूछा कि टीन सेट बनाने की इजाज़त है, तो इन पर कोई सवाल का जवाब नहीं था। और इनने बड़ी स्टाइल में मास्क उतारा, क्योंकि कोविड 19 तो है ही नहीं इनके हिसाब से। और ये जो पेड़ जेसीबी से उखड़वाए गए, चलो उखाड़ दी, ठीक है। और रोड पे टीन सेट बनाने की इजाज़त दे रहा है नगर पालिका, सीएमओ साहब बोल रहा है रोड पे टीन सेट लगाओ, वो नहीं तोड़वाया है आपने। तो इसके बाद कि अब नगर पालिका मेंटेन करेगा इसको। यहाँ लोग सुबह साफ पानी डालते हैं, इसमें देख रेख करते हैं। अब जो गाय और सभी जानवर आ रहे हैं घुस रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़ ये देखिए। मुख्यमंत्री जी तो एक पतली डाल लगा दी, बस काम ख़त्म, ना पानी डालना, ना देखना, ना कुछ। ये किसने लगाए, आपने लगाए, नगर पालिका ने लगाए, किसने लगाए? जब सर से पूछा गया कि नगर पालिका क्या रोड पर पक्का टीन सेट बनाने की इजाज़त दे रही है, ये देखिए कितने कितने टीन सेट बने हुए हैं, इनको नहीं तोड़वा के पेड़ ही तोड़वाना है भाई साहब को, क्योंकि रिश्वत में लिए ना, पैसे के लिए तो कुछ भी करेगा आदमी। और सर से पूछा गया तो बोले हैं कि हमें को पक्का टीन सेट तोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं मिला है, हमको केवल पेड़ ही काटने तोड़ने का ऑर्डर मिला है। और अच्छी बात तो ये, पुलिस वाले स्वयं आए हुए थे सभी पेड़ कटवाने तोड़वाने के लिए। इस टाइप के टीन सेट बना लें आप, मगर पेड़ ना लगाएं। मतलब ये है नगर पालिका सीएमओ साहब के आदेश, और कलेक्टर साहब भी शामिल होंगे इसलिए तो ऐसा है। और ये साहब देखो सामने दिखा रहे हैं, आप कौन? आम पब्लिक पूछ नहीं सकती है ये धक्कामुक्की करना है, आप कौन? हम पूछ नहीं सकते, हमने पेड़ लगाए, मेहनत करी है, क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये देखिए बता रहे हैं। और इन्हें कागज़ दिखाया गया कि हमने नगर पालिका में आवेदन दिया था, इस पर सील लगी, तो कह रहे हैं कौन नगर पालिका, कौन सी सील? इनको पढ़ना तक नहीं आता, ये नगर पालिका के अधिकारी हैं, इनको इसमें कागज़ में सील लगी हुई है, हमने आवेदन दिया था पक्के टीन सेटों का, कुछ नहीं पता, मगर इनको केवल पैसे खाए ना, तो इनको पेड़ ही काटना है, गार्डन ही तोड़ना है, क्योंकि वो हमने पानी डाल के बड़े किए हैं इसलिए। और इनके सगे जीजा साले होंगे कोई, इसलिए उसका कुछ भी नहीं किया गया है, बस पेड़ काटेगा, टीन सेट बनाइए आराम से, बस पेड़ मत लगाइए। और इन्होंने बोला कि आपने अतिक्रमण किया, तो अतिक्रमण किससे कहते हैं, इनको ये भी नहीं पता, किसी पक्की चीज़, एक भी पक्की ईंट लगी है उस पर चुनाई है, या टीन सेट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, काय का अतिक्रमण है आप बताएं? पता नहीं है अधिकारियों को, और आ गए तोड़वाने। और पक्के टीन सेट को बोलते हैं नहीं टूटेगा, उसको बनाने की इजाज़त है? और देखिए यहाँ पर इतनी बहस चल रही है, पुलिस लेकर आए हुए हैं, ये देखिए पुलिस वाले चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, आजकल हर आदमी को पैसा ज़रूरी है। और अधिकारी से नाम पूछा तो उनको उनका नाम भी नहीं पता, कोई नहीं बोला उसने, किसी को अपना नाम नहीं बताया किसी ने भी। ये देखिए पुलिस वाले उस साइड घूम करके खड़े हैं, मतलब नहीं है। इनसे पूछा गया तो आप बोले इस टाइप का टीन सेट बनाइए, नगर पालिका को कोई दिक्कत नहीं है, बस पार्क मत बनाइए और सब ठीक है ना? नेतागिरी में आप हो तो ठीक है, नहीं तो बस आपका कोई